डायरेक्टर ने बताई न्यू लुक के पीछे की कहानी। नेहा कक्कड़ हुई बोलने को मजबूर। टाइगर श्रॉफ के साथ क्या हुआ धोखा? हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट चैनल बॉलीग्रैंड स्टूडियोज। डंकी मूवी में लीड फीमेल एक्ट्रेस के लिए पहले आलिया भट्ट को ऑफर किया गया था और आलिया भट्ट ने ऑफर एक्सेप्ट भी कर लिया था, लेकिन बाद में आलिया भट्ट ने डंकी मूवी में काम करने से मना कर दिया, जिस कारण डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने डंकी मूवी में काम करने के लिए बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण से बात की, लेकिन दीपिका पादुकोण ने भी काम करने से मना कर दिया। इसके बाद डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने लास्ट ऑप्शन तापसी पन्नू को डंकी में काम करने के लिए ऑफर भेजा, जिसके लिए तापसी पन्नू ने पहली बार में ही हाँ कर दी। डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने बताया कि डंकी मूवी की कहानी विदेश जाने वाले लोगों से इंस्पायर्ड है और अधिकतर विदेश जाने की इच्छा पंजाब के लोगों में होती है, इसीलिए राजकुमार हिरानी जब शाहरुख खान की डंकी मूवी की स्टोरी सुना रहे थे, उसी टाइम स्टोरी सुनाते हुए बीच में ही उन्हें आईडिया आया कि वो शाहरुख खान को सिख बनाकर मूवी में प्रेजेंट करेंगे, जिससे ज्यादातर लोग खुद को शाहरुख खान से कनेक्ट कर पाएंगे। डंकी मूवी में म्यूजिक देने के लिए राजकुमार हिरानी ने नेहा कक्कड़ को अप्रोच किया था, लेकिन नेहा कक्कड़ ने डंकी मूवी में म्यूजिक देने के लिए शरारत रखी। नेहा कक्कड़ ने कहा डंकी मूवी में वो अपने भाई टोनी कक्कड़ के साथ मिलकर एक सॉन्ग गाएंगी, जिसके लिए राजकुमार हिरानी ने जवाब देते हुए कहा उन्हें अपनी मूवी के लिए फिलहाल फीमेल वॉइस चाहिए, मेल वॉइस की उन्हें अभी कोई जरूरत नहीं है मूवी में। राजकुमार हिरानी की बात सुनकर नेहा कक्कड़ ने अकेले ही गाना गाने के लिए हाँ कह दिया। राजकुमार हिरानी ने डंकी मूवी में काम करने के लिए बहुत पहले ही टाइगर श्रॉफ से बात कर रखी थी, लेकिन जब उनकी मूवी डंकी में कास्टिंग की बारी आई, तब राजकुमार हिरानी ने टाइगर श्रॉफ को एक भी ऑफर ना देकर सीधा शाहरुख खान को लीड रोल के लिए कास्ट कर लिया। जब टाइगर श्रॉफ ने राजकुमार हिरानी से बात की तो राजकुमार हिरानी ने टाइगर श्रॉफ को दिलासा देते हुए कहा ये मूवी तुम्हारे लिए नहीं थी, तुम्हारे लिए मैं इससे भी बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। क्या आपको डंकी मूवी के आने का इंतजार है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के साथ, लेकिन जाते जाते आप इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और मुझे यानी कि श्रुति को दीजिए इजाजत। नमस्कार।